हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो आज हम इस वीडियो के अंदर आपके सामने बात करने वाले एशियन पेंट्स के जो करंटली अभी मार्केट में जो क्वार्टरली बोन रिजल्ट्स आया है, तो उस रिजल्ट्स के चलते आपको इस शेयर के अंदर किस तरह का मोमेंटम फेस देखने को मिल सकता है और लॉन्ग टर्म विजन आपका पेंट इंडस्ट्री के अंदर किस तरह का होना चाहिए, तो वो सब बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑन क्वार्टरली वाइज वो 16% गिरकर हो चुका है 5,585 करोड़ रुपीज़, एज वेल एज जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो पिछले जो क्वार्टर में जो जितना था लेडीज उससे 33% कम होकर हो चुका है 574 करोड़ रुपीज़। सो जितना मार्केट में एक्सपेक्टेशन था उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कंपनी का नहीं आया, बट फिर भी करंटली बहुत ही अच्छा प्राइस लेवल पर करंटली शेयर चल रहा है। 2.9% की तेजी के साथ 3070 के आसपास करंटली मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहा है। अगर मैं इसके ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की बारे में बात करूं तो रेवेन्यू जो है कंपनी का वो 91% बढ़कर हो चुका है 5,585 करोड़ रुपीस, एज वेल एज जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी 162% बढ़कर हो चुका है 574 करोड़ रुपीस। सो आपको पता होना चाहिए कि पेंट इंडस्ट्री जो है वो उसका जो फ्यूचर है बहुत ज्यादा ब्राइट है, जस्ट बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि एशियन पेंट्स का जो मार्केट शेयर है पेंट इंडस्ट्री के अंदर वो बहुत ज्यादा है। ऑल्दो मार्केट में बहुत सारे कंपिटिटर्स भी है, जैसे कि बर्जर पेंट्स, कंसाई नैरोलेक, इंडिगो पेंट्स, सिरिका पेंट्स, इस तरह के बहुत सारे मार्केट में कंपिटिटर्स भी, बट फिर भी उसके मुकाबले अगर हम देखें इसका जो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से उसी कारण एक अच्छा सा दैट इज 3% की तेजी के साथ करंटली शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैपिटलेशन की बात करूँ तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका जो मार्केट कैप है वो है 2,86,027.98 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है और डिविडेंड यील्ड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 1 रुपीज वो है सिर्फ 0.60% के ऊपर। बीटा है इसका 0.69, जो कि आपको बताया था कि अगर इंडेक्सेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.69% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 93.25 और इसका जो प्राइस टू अर्निंग चल रहा है वो है 93.71। सो ऑन एन एवरेज बेसिस सेम ही प्राइस टू अर्निंग पे करंटली शेयर मार्केट में उसके इंडस्ट्री के मुकाबले चल रहा है और प्राइस टू बुक है इसका 23.66 और बुक वैल्यू है शेयर की 126.05 रुपीज़। अगर मैं इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो हर साल जो आप देख सकते हो कंपनी का परफॉर्मेंस के अंदर आपको हर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, डेट इज टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन के अंदर आपको क्लियर एक अच्छा सा ग्रोथ जरूर देखने को मिल रहा है। ईयर और ईयर बेसिस के अगर हम देखते हैं तो 10% ग्रोथ आपको टॉप लाइन के अंदर देखने को मिल रही है, एज वेल एज बॉटम लाइन के अंदर भी आपको 10-15% का ग्रोथ आपको ईयर और ईयर बेसिस के हिसाब से यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है। अगर मैं करंटली शेयर की बात करूँ तो नियरली 3070 के प्राइस पे अभी करंटली मार्केट में चल रहा है और अगर इसकी बात करें 5 ईयर हाई प्राइस तो वो है 3092.85। अगर इसने ये और प्राइस लेवल जो इसका जो हाई प्राइस है उसको ब्रेक किया तो बहुत ही अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ऑल्दो लॉन्ग टर्म विजन की अगर मैं बात करूँ पेंट इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर स्कोप आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो और अगर आपको कोई पेंटिंग पेंट के जो बिजनेस होता है उसके अंदर आपको निवेश करना हो तो मेरे हिसाब से एशियन पेंट्स बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूँ कि आपको एशियन पेंट्स लिमिटेड कंपनी जो मार्केट में अभी जो क्वार्टरली वन रिजल्ट्स हैं वो आपको अच्छे से पता चल गए होंगे और उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर इस वीडियो के कंटेंट रिलेटेड आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू।